कोरोना को लेकर सरकार की नई गाइडलाइन जारी हो गई है। 12वीं तक स्कूल प्रदेश में बंद कर दिए गए हैं। 30 जनवरी तक स्कूलें बंद रहेंगी। पहले 15 जनवरी तक पाबंदियां लगाई गई थी, लेकिन जिस तरीके से कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं उसके बाद 30 जनवरी तक पाबंदियां लगा दी गई हैं। कॉलेज और विश्वविद्यालय में 50% छात्र उपस्थित रहेंगे। साथ ही विवाह समारोह में मेहमानों की संख्या को घटाया गया है। अब अगर नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्र को छोड़ दिया जाए तो बाकी जगह 100 लोग शामिल हो सकेंगे, लेकिन नगर निगम नगर पालिका क्षेत्रों में 30 जनवरी 2022 तक सिर्फ 50 व्यक्ति ही शामिल हो पाएंगे। विवाह समारोह में बैंड बाजा वादकों को उक्त संख्या से अलग रखा गया, यानी कि 100 की संख्या सिर्फ उन मेहमानों की जो शादी समारोह में शिरकत करने आएंगे। बैंड बाजा वादकों शायद मुमकिन है कि हलवाई, उन सबको इससे अलग रखा गया है। विवाह आयोजनकर्ता द्वारा समारोह की वीडियोग्राफी कराई जाएगी और संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट JET द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध भी ये कराई जाएगी। मेरे सहयोगी शिवेंद्र जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र, एक तो स्कूल बंद 30 जनवरी तक, दूसरा ये कि अब जितने भी नगर निगम और नगर पालिका है, यानी कि जो शहरी क्षेत्र है, वहां सिर्फ 50 लोग शादी समारोह में शिरकत कर पाएंगे। बिजेंद्र, जो तीसरी लहर, क्योंकि अब ये हो गया है कि तीसरी लहर राजस्थान में आ गई है कोरोना की, तो तीसरी लहर की ये अब तक की सबसे कठोर गाइडलाइंस मैं कहूंगा, क्योंकि इस तरह की गाइडलाइंस हमने फेज 1 और फेज 2 में देखी है। जब कोरोना की 2 वेव आई थी उस समय भी लॉकडाउन से ठीक पहले इसी तरह की कठोर गाइडलाइंस थी और यही वो गाइडलाइंस है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो अभी तक 1 से 8वीं तक के स्कूल प्रदेश में बंद थे, लेकिन अब सभी नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्रों में 12वीं तक के स्कूल 30 जनवरी तक तत्काल प्रभाव से बंद कर दिए गए हैं। यानी एक बार फिर से जो शिक्षा विभाग है उस पर अब दिख रहा है कि कोरोना का साया आ गया है। इसके अलावा जो प्रदेश की यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, उनमें विजेंदर सिर्फ 50% स्टूडेंट्स को ही अनुमत किया गया है। जो उनकी क्षमता है उससे 50% स्टूडेंट्स विश्वविद्यालय में और जो यूनिवर्सिटीज हैं उनमें पढ़ने के लिए वो जा सकेंगे। सबसे महत्वपूर्ण जो ये गाइडलाइंस है इसमें विवाह समारोह वाली चीज है, क्योंकि कुछ दिनों के बाद बहुत बड़ा जो सारक है वो फिर से शुरू होने वाला है, वैवाहिक सीजन शुरू होने वाला है। तो जो शादियों की तैयारी लोग करके बैठे थे बड़ी बड़ी, उनको फिर निराशा लगी है। 30 जनवरी तक जो सभा जो नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्र है उसमें अधिकतम 100 लोग बुलाए जा सकेंगे और उसके बाद 30 जनवरी के बाद इस संख्या को 50 कर दिया गया है। जिस तरह की इस गाइडलाइंस में जानकारी है इसमें जो बैंड बाजा वादक हैं उनकी जो संख्या है वो अलग रखी गई है विजेंद्र। इसके अलावा जो सरकारी और कर्मचारी हैं उनसे अनुमति जो अनुरोध किया गया है इस गाइडलाइंस में कि वो दोनों वैक्सीन लगा लें। अंत्योष्टि और अंतिम संस्कार में जो संख्या थी उसको 20 रखा गया है। एक और जो बड़ी महत्वपूर्ण चीज है इस गाइडलाइंस में वो धार्मिक स्थलों के संबंध में है, जो कि क्योंकि राजस्थान में हम जानते हैं कि एक से एक बड़े धार्मिक स्थल मौजूद हैं पूरे देश के अलग अलग इलाकों से राजस्थान में, चाहे मेहदीपुर बालाजी हो, सालासर बालाजी हो, देशनोक का करणी माता मंदिर हो, खाटू श्याम हो, इतने बड़े बड़े जो मंदिर है, रामदेवरा हो, तो मंदिरों को लेके और जो धार्मिक स्थल है ख्वाजा साहब की दरगाह अजमेर में, उनको लेके ये निर्देश है बजिंदर के सुबह 5 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक ही जो धार्मिक स्थल है वो खुल सकेंगे। यानी शिवेंद्र, क्योंकि अब त्योहारों की शुरुआत भी हो रही है, 13 तारीख को लोहड़ी है, 14 तारीख को मकर संक्रांति है, सीधा निर्देश दिया गया है कि ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए घर पर ही रहकर त्योहार मनाए जाएंगे। इसका मतलब यही निकाला जाए कि सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होंगे जो बड़े स्तर पर होते हैं। बिल्कुल, सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि आपको घर पर ही रहना है, क्योंकि जयपुर में मकर संक्रांति का हम देखते हैं बजिंदर के बहुत बड़ा असर है। पूरा जो जयपुर है वो ऐसा लगता है कि छतों पर उमड़ गया है पतंगबाजी के लिए। कई सारे पार्क में, कई सारे ग्राउंड में भी खुलेआम पतंगबाजी जयपुर में होती है और इस बार भी तैयारी थी कि अच्छे से पतंगबाजी होगी, लेकिन सरकार ने जो आज गाइडलाइंस जारी की है उसमें सख्त तौर पर ये लिखा है कि जो लोग मकर संक्रांति और लोहड़ी मनाने की तैयारी कर रहे हैं वो घर पर ही रहकर ऐसा करें, बाहर उनको जाने की अनुमति नहीं होगी। तो सरकार कोशिश ये कर रही है कि जिस तरह के हालात हैं लॉकडाउन से पहले ही अगर लोग इन गाइडलाइंस का पालन करें तो लॉकडाउन की तरफ नहीं जाएं, क्योंकि जो मरीजों का आंकड़ा है वो लगातार बिजेंद्र बढ़ रहा है राजस्थान में। आज भी ऐसी उम्मीद की जा रही है कि आज जब गाइडलाइंस आएगी तो आज जो संख्या है वो और बढ़ सकती है। लेकिन गाइडलाइंस में जो और 2-3 महत्वपूर्ण बिंदु मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा वो ये है कि
सभी दुकानें और शॉपिंग मॉल अब रात 8 बजे तक ही खुलेंगे। 8 बजे के बाद शॉपिंग मॉल और दुकानें राजस्थान में नहीं खुलेंगी, क्योंकि बड़े बड़े